दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। और दूसरा, केजरीवाल काम करता है, जनता के लिए काम करता है। ये दो बातें दिल्ली की जनता के मन में हैं। ये उन दोनों बातों पे चोट करना चाहते थे, ये केजरीवाल को बेईमान साबित करना चाहते थे और ये दिखाना चाहते थे भाई केजरीवाल के सारे काम ठप हो गए। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया, इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा, दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं काम ठप नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं जेल जाने से नुकसान हुआ, जरूर हुआ, मैं मानता हूं जेल जाने से बहुत नुकसान हुआ, पर केजरीवाल का नुकसान नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया का नुकसान नहीं हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ। आज जब घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके या कैसे भी, वो टूटी हुई सड़कों के ऊपर उनकी गाड़ी ऊपर नीचे होती है, प्रदूषण होता है उसकी वजह से। आज जगह जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बस मार्शल हटा दिया इन लोगों ने, दवाइयां मैं बात कर रहा था, टेस्ट बंद कर दिए, बताओ अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए यार, तुम लोगों ने दवाइयां बंद कर दी अस्पतालों के अंदर, ये सब ठीक नहीं है। अब चुनाव में जनता जवाब देगी कि केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल में भेजने वाले चोर हैं। जनता जवाब देगी कि जनता को काम रोकने वाले पसंद हैं कि काम करने वाला पसंद है।